हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत शो देख रहे हैं आप, जहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हर वो खबर जो जानना आपके लिए जरूरी है, हम तीनों एंकर्स आपको देने वाले हैं। आज नमस्ते भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के संकट के बारे में एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, उसकी खबर। साथ ही गुरुग्राम में आधी रात को मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामा जो हुआ है उस पर अपडेट आगे आपको मिलेगा। और देखिए, सियासी ड्रामा जो है वो बड़ा हो गया है। अब हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबर दिखा रहे हैं। भारत पहुंच गया है कोरोना वायरस देश। तो तीन बड़े संकट आपके सामने हम रख रहे हैं, मध्य प्रदेश का संकट, कोरोना का संकट और दिल्ली हिंसा को लेकर जांच का संकट। गोलीबाज शाहरुख पकड़ा गया तो आखिर ताहिर हुसैन फरार अब तक क्यों है, दिल्ली पुलिस के आगे ये संकट है। तो देश के तीन संकट पर सबसे बड़ी कवरेज नमस्ते भारत में तीन एंकर्स आपके सामने सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगातार रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी संकट जो गुरुग्राम तक पहुंच गया है एनसीआर के, देश में कोरोना का भयानक संकट, लेकिन फिर एबीपी न्यूज आपसे कह रहा है पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे खुद को परिवार को बचाना है कोरोना से। वही दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस के आगे जांच का संकट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सियासी संकट की। मध्य प्रदेश में सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का खींचतान का मिडनाइट शो गुरुग्राम के मानेसर के आईटीसी रिजॉर्ट में देखने को मिला। यही इस वक्त की बड़ी खबर। रात में गुरुग्राम के आईटीसी रिजॉर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह कांग्रेस विधायकों को लेने पहुंचे। तस्वीरें भी आई हैं हमारे पास, वो भी दिखाएंगे आपको। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह विधायकों को लेकर होटल के बाहर निकल रहे थे। तस्वीरें हैं हमारे पास गुरुग्राम के आईटीसी रिजॉर्ट की, ये तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे अगले कुछ सेकंड में कि एमपी कांग्रेस के मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह विधायकों को लेकर कैसे निकल रहे हैं। देखिए, इस बीच विधायकों और वहां मौजूद लोगों में बहस भी हुई है और तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से कमलनाथ सरकार पर ऑपरेशन कमल की तैयारी कर ली गई है लगभग। और तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब हंगामा हो रहा था इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगा रही है आरोप कि बीजेपी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना चाहती है और गुरुग्राम में 11 विधायकों को ले जाने के पीछे आखिरकार साजिश क्या। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सामान ले जाते विधायक आपको दिख रहे हैं, विधायकों को बनाते जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं सवाल, कमलनाथ सरकार पर क्या ऑपरेशन कमल का संकट है। ये तस्वीरें आप आईटीसी मानेसर की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आप बीएसपी विधायक रामबाई को देख रहे हैं। रामबाई का सूटकेस पकड़ के उनके एक सहयोगी ले जा रहे हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह के बेटे और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जयवर्धन सिंह दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, इंदौर से विधायक हैं। रामबाई जो बीएसपी की विधायक हैं वे भी यहां पर ठहरी हुई थी, उनको मान मनोबल करके ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया हुआ है। दोनों के मिला के कुल 3 विधायक हैं और इन 3 विधायकों सहित बाकी 4 विधायक भी इसी आईटीसी मानेसर होटल में ठहरे हुए थे। इसके अलावा 3 विधायक जो कांग्रेस के हैं, बिसाऊ लाल सिंह, रघुराज कंसाना और कमलेश जाटव, ये भी इसी आईटीसी मानेसर होटल में ठहरे हुए थे। कांग्रेस के तमाम नेता जिसमें खुद दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, वो रात भर दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है आपको सुन लेना चाहिए, उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है, सुनवाते हैं आप। हमें मालूम पड़ गया था कि ये लोग इस तरह का लालच दे रहे हैं लोगों को और परसों ही मैंने इसकी पोल खोल दी थी तो उसमें बाकी लोग तो कोई नहीं आए थे, कुछ लोग आ गए थे इनके प्रलोभन में। तो जब हमें मालूम पड़ा तो जीतू पटवारी और जयवर्धन तो वहाँ चले गए थे
आईटीसी ग्रैंड मनेसर में, तो वहाँ इन लोगों से संपर्क हो गया था। तो जिनसे संपर्क हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पूर्व मंत्री, ये सब लोग वहाँ उनको पैसे देने वाले थे। वहाँ पे अगर छापा डल गया होता तो हमने तो आज वो पकड़ लिया होता। लेकिन शासन हरियाणा में भाजपा का है, हमें गेट पर रोक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उनसे संपर्क हो गया था, बिसावलाल सिंह जी से भी और रामबाई से। रामबाई तो हमारे साथ वापस लौट आई। वैसे अंदाजा था करीब 10-11 विधायक थे, लेकिन 4 रह गए उनके पास, वो भी आ जाएंगे हमारे पास। इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की सरकार सुरक्षित है, सुरक्षित थी और सुरक्षित रहेगी। पूरे 5 साल तक कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। तो कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो ऑपरेशन कमल चला रही है ना बीजेपी, उसकी तो मैंने परसों ही हवा निकाल दी थी। अब केवल 4 बचे हैं जिनको हम वापस बुला लेंगे, क्योंकि गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है बीजेपी की सरकार, इसलिए दिक्कत बड़ी है। ये देखिए हमारी स्क्रीन में अगले 3-4 सेकंड में हमारी सहयोगी मदीहा खान आ गई है। मदीहा, आप अब बताइए क्या अपडेट गुड़गांव से निकल कर आ रही है, कितने अभी है अंदर, कितनों को बाहर निकाला गया है? देखिए कुमकुम, बताना चाहूंगी कि आधी रात से ही जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें हलचल मच गई थी। कांग्रेस की तरफ से आरोप आना शुरू हो गए थे कि उनके कुछ विधायक जो हैं वो आईटीसी ग्रैंड भारत जो मानेसर हरियाणा में है वहां पर बंधक बने हुए हैं बीजेपी द्वारा। जैसे ही हम वहां पहुंचे हमें पता चलता है कि आधी रात को जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कोशिश की कि वो अपने विधायकों को वहां से ले आए। उसके बाद सिर्फ एक ही विधायक यानी कि जो बीएसपी से निलंबित विधायक हैं रामाबाई, उनको लाने में वो लोग कामयाब हो गए, बाकी विधायक अंदर ही मौजूद थे। लेकिन कुछ देर बाद जब दिग्विजय सिंह का बयान आता है तो दिग्विजय सिंह ने बताया कि 10 से 11 विधायक उन्हें लगता है कि वहां मौजूद थे, लेकिन अभी भी दिग्विजय सिंह के मुताबिक 4 विधायक जो हैं अंदर अभी भी आईटीसी ग्रैंड भारत मानेसर हरियाणा में अभी होटल के अंदर ही मौजूद हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मदीहा। ये जो ड्रामा है प्रतिमा, ये अभी चलेगा कुछ दिन, और जो हमारे सूत्र हैं होटल में या कांग्रेस के भीतर या बीजेपी में, वो लगातार बता रहे हैं कि जो कोशिशें हैं, जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो दरअसल सरदर्द बने हुए हैं। 3 जो बागी विधायक हैं जिसका नाम दिग्विजय सिंह ने भी लिया, उसमें हमारे साथ ब्रजेश राजपूत खुद जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश भोपाल से, वे इस बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी दे पाएंगे। ब्रजेश, ये जो बगावत की शुरुआत हुई थी बिसाऊ लाल सिंह, कमलेश जाटव, इन लोगों ने की थी, और यही लोग अब इस कैंप में हैं या नहीं है, स्थिति क्या साफ है? कितने कांग्रेस के बागी विधायक हैं जो अभी इस वक्त बीजेपी के खेमे में हैं? हाँ विकास, आपको मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। जैसे ही मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बने हैं, उसके बाद से बीजेपी के नेताओं ने पूरा गेम प्लान तैयार कर दिया है कि बीडी शर्मा को आगे करके बाकी जो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो मतभेद थे उनको दूर किया गया। और फिर जैसे ये बीजेपी के नेता लोग बार बार कहते थे कि हमारे ऊपर के नेता यदि मेरी हरी झंडी दे दें तो हम कांग्रेस सरकार कभी भी गिरा देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि उनको हरी झंडी दे दी गई है और उसके बाद ये पूरा एक्शन प्लान शुरू हो गया है। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। कांग्रेस को दिग्विजय सिंह को 2 दिन पहले पता लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद आनंद फानन में सारे विधायकों को, कम से कम 10 विधायक इन लोगों से संपर्क में है बीजेपी के नेताओं से। और ये पूरा गेम प्लान ये था कि जो राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में इस महीने के आखिर में होना है उसमें बीजेपी के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे क्रॉस वोटिंग करवाते और बीजेपी अपनी दो लोगों को यहाँ से जिताती, उसके बाद ये 2 फाड़ हो जाते कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के विधायकों में एक भगदड़ मचती और उसके बाद फिर कभी भी जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र होने वाला है उस विधानसभा के सत्र में कभी भी मत विभाजन की मांग करके सरकार गिराने की कोशिश होती। अभी भी समझा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
लगातार, क्योंकि पूरा दिन एक्शन रहेगा इस खबर पर, तो रिएक्शन मुझे आपसे लेना है। लेकिन प्रतिमा, कुछ महत्वपूर्ण है आपके पास। देखिए, मिडनाइट ड्रामा जो हुआ है उसको लेकर एक शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की स्थिति क्या है। ये समझना भी तो जरूरी है आपके लिए कि ये जो फुल ऑन ड्रामा हुआ है कल रात, उसके पीछे की राजनीति क्या है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, कुल सीटें हैं 230। ये आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं कि कुल सीटें विधानसभा की यहां पर है 230, जिसमें कांग्रेस के पास है 114 विधायक। बीजेपी की अगर बात करें तो 109 विधायक हैं उनके पास, निर्दलीय यहां पर 4 हैं और बीएसपी के पास यहां पर 2 विधायक हैं। आपको बता दें 116 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए यहां पर, और कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है मध्य प्रदेश विधानसभा की, जो आंकड़ों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा भी हमने आपके सामने रख दिया और इसी को लेकर पूरी खींचतान चल रही है, क्योंकि कोशिश बीजेपी की तरफ से ये कि अगर बागी होते हुए विधायक दिखे तो तुरंत जो है सरकार बनाने की तैयारी कर ली जाए। लेकिन सरकार से सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में क्या लोगों के वोट की कोई कीमत नहीं है। यहां पर बड़ा सवाल हम आपको बता दें कि आपको देख हम बता रहे हैं कि सरकार के पास कुल मिलाकर 121 विधायक हैं। ये दावा कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और देखिए किस तरीके की स्थिति है यहां पर आपके सामने हमने रखी है। विकास, जो स्थिति आप देख रहे हैं क्या कहेंगे उस पर, मतलब पूरा आंकड़ा तो हमने जनता के सामने, देखिए इसमें कुछ बदलाव है। बीजेपी के 2 विधायक थे, एक शरद कौल और दूसरे थे नारायण त्रिपाठी। उन्होंने तकरीबन आज से 5 महीने पहले विधानसभा के फ्लोर पर बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वो बीजेपी में नहीं है। तो ये जो नंबर है टोटल विधानसभा का, वो अब कांग्रेस का नंबर 114 से बढ़कर 116 हो गया, दोनों खेमे हुए। और जो अभी बगावत है कांग्रेस खेमे में, वो ज्यादातर विधायक जो है वो सिंधिया खेमे के है, और सिंधिया खेमे के जो सिंधिया खेमे के विधायक हैं उन्होंने ही इस समय बगावत की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, और इन्हीं विधायकों को मनाने के लिए भी क्या दल बदल कानून की आंच इन लोगों पर नहीं आ सकती है। विकास, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अगर आप सर पर कफन बांध लें और ये सोच लें कि हम तो वोट खिलाफ करेंगे और उसके बाद फिर इस्तीफा देंगे और चुन के दोबारा आ जाएंगे, तो फिर कौन रोक सकता है किसी को वोट करने से। ये तो भय तब तक है जब तक आपको अपनी कुर्सी जाने का भय हो। दरअसल पूरा जो खेल है, जो लालच है, जो गोटियां हैं, वो तो कुर्सी के इर्द गिर्द ही है। और अगर आप विधायक बन गए और वो भी ना मिले, उसका सुख भी ना मिले, तो फिर किस बात की विधायकी। यही सोच है देखिए भारतीय राजनीति की, यही स्याह सच है भारतीय राजनीति का। आप मुस्कुरा सकते हैं इसमें, लेकिन हमारे लिए शर्म की भी बात है। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में से एक हुमायूं रोड से एक खबर आई है। ये खबर है एक कमरे से जुड़ी हुई, यहाँ पर फाइलें बिखरी हुई थी और पास में खड़े कुछ पुलिस वाले हैं। ये कमरा किसका था, ये फाइलें किसकी थी और पुलिस वाले वहाँ क्यों खड़े थे? हुमायूं रोड दिल्ली का एक सुरक्षित इलाका माना जाता है, हाई प्रोफाइल इलाका है, इसीलिए ये खबर देश के हर व्यक्ति के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस खबर का संबंध लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से भी है। क्या है हुमायूं रोड से आई तस्वीरों की असली कहानी आपको देखनी चाहिए। मेज पर पड़ा कीबोर्ड और उसके आसपास बिखरी फाइलें, कैमरे के जलते फ्लैश और पास में खड़े पुलिस के कुछ जवान, ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। अधीर रंजन चौधरी के दफ्तर का ये हाल किसने किया, सुनिए दफ्तर के कर्मचारी से। मैं साहब के साथ अपने पार्लियामेंट के दफ्तर में थे, साहब के ऑफिस में थे। अचानक से मेरे पास एक मेरे साथी ऑफिसर मुनिमोहन मन्ना का फोन आया, तो काफी डरा हुआ उनका आवाज था। मेरे को फोन करके तुरंत बोला कि प्रदीप दा जल्दी ऑफिस में आइए, आप हमारे यहाँ पे लोग आए हैं, हमला कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं हमारे साथ। अब मैंने बोला क्या हुआ है, घटना मेरे को ठीक से बताओ पहले। तो बोला कि 3-4 लोग आए हैं हमारे ऊपर हाथापाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिस में फाइल वगैरह फेंक दे रहे हैं। यहाँ पे बोले अधीर चौधरी का है, अधीर चौधरी को बुलाओ, तुम लोग अपने आपको चौधरी समझ रहे हो। तो बोलने के साथ साथ मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे उनको रोकने की कोशिश करो कम से कम, मैं तब तक पुलिस को बुलाता हूँ। तो बोल के उन लोगों ने मेरे को, जो साथी ने बताया कि वो लोग यहाँ से 2-3 फाइलें अपनी लेके गए हैं और इनके साथ हाथापाई किया है। इन द मीन टाइम पुलिस भी इधर पहुँच गई थी, तो पुलिस के बाद ही हम लोग भी पहुँचे हैं, आके देखा ये घटना घटी है इधर। अधीर रंजन चौधरी का दफ्तर हुमायूं रोड पर उनके घर पर ही है। दफ्तर में आकर हाथापाई करने वाले लोग कौन थे और किस मकसद से आए थे, पुलिस अब इस मामले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आप
आपने रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर झाड़ू लगाते या भीख मांगते कई नाबालिग बच्चों को देखा होगा, लेकिन रेलवे अब इन बच्चों को अपनी शरण में लेने की योजना बना रही है और इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से। तो सुबह सुबह का वक्त और आपके लिए लेकर आए हम एक पॉजिटिव न्यूज। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी ये अनोखी पहल एक मिसाल की तरह है। मध्य प्रदेश के इटारसी स्टेशन पर रेलवे प्रशासन ने एक हेल्प डेस्क बनाया है जो 24 घंटे प्लेटफॉर्म पर घूमते बच्चों पर निगरानी रखेगा। देखिए, ये पहल वाकई में बहुत ही शानदार कही जा सकती है। बाल सुधार के लिए उठाए गए इस कदम की क्या है खास बात, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बच्चों की सुरक्षा का संदेश देती ये तस्वीर उस अनोखी पहल की है जिसकी शुरुआत इटारसी रेलवे स्टेशन पर हुई है। मकसद है प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों की सुरक्षा। इसके लिए बाकायदा हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ये डेस्क कैसे काम करता है सुनिए। बच्चों को जैसे अकेले मिलते हैं तो हम लोग मिलके एक साथ उनको लेके आते हैं, हैं और उनसे पूछताछ करते हैं बच्चों से। बाद में उन लोग बताते हैं कि हमारे माँ बाप यहाँ पर हैं, ये है वो है, तो उनको वहाँ पर छोड़ा जाता है। नहीं है तो CWC हम लोग पेश करके उनको घर सुरक्षित पहुँचाते हैं। माना जाता है कि घर से भागे हुए ज्यादातर बच्चे या गुमशुदा बच्चे रेलवे स्टेशन को ही अपना घर बना लेते हैं जहाँ उनकी सुरक्षा बड़ी चुनौती है। यहाँ पर हम लोग जो बच्चे आते हैं जो कि घर से बेघर हो जाते हैं, जो उनकी फैमिली से कुछ भी बातों पर नाराज होकर जो बच्चे आ जाते हैं, जो नीडी बच्चे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2019 की NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से भारत में हर साल 60,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में 20,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए। होशंगाबाद जिले के इटारसी जंक्शन पर 2017 में 593 बच्चों की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रेलवे प्रशासन ऐसे बाल मित्र स्टेशन बनाने की इस पहल को देश भर के 57 रेलवे स्टेशन पर भी लागू करने पर विचार कर रहा है। चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस अब भारत भी पहुंच चुका है। जी हां, भारत में अब तक 6 मामले इसके सामने आ चुके हैं। और देखिए, इन मामलों के सामने आने के साथ ही सरकार भी हरकत में आ गई है। लेकिन आगरा से जो मामला सामने आया वो 6ठा मामला था। इससे पहले नोएडा का एक शख्स जो इटली से होकर आया था वो संक्रमित पाया गया था। नोएडा, दिल्ली, ये वो इलाके हैं जो कि NCR के इलाके हैं या फिर आप कह सकते हैं हिंदी पट्टी का इलाका है। इसीलिए कल से पूरा कोहराम मचा हुआ है देश में इस खबर को लेकर। आइए आपको बताते हैं भारत में किस तरह कोरोना पैर पसार रहा है, क्योंकि अब दहशत यूपी तक आ गई है। भारत में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा है। कोरोना से संक्रमित लोगों के 3 मामले केरल, 1 नोएडा, 1 तेलंगाना और 1 आगरा में मिले हैं। यूपी के नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद नोएडा के 2 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो वहीं 6ठा मामला आगरा से सामने आया है। आगरा में कोरोना वायरस को लेकर 13 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से मची दहशत को देखते हुए नोएडा में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 8076623612 और 6396776904, ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इसके अलावा जिले में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी, डॉक्टर्स और हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी चीज होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आगरा में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि के बाद डर की स्थिति ना बने, इसके लिए जिलाधिकारी नारायण सिंह ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जब तक कोरोना वायरस को लेके एक सेंसिटिविटी बनी हुई है, तब तक आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना अवॉइड करें। साथ ही आपस में मिलने पर एक जो हमारी हाथ मिला के ग्रीट करने की परंपरा है, उसको भी कम कर सकते हैं। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अस्पतालों के अधीक्षक शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत में एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर 14 देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, ईरान, इटली, मकाओ के लोग हैं।
तो देखिए सावधानी ही बचाव है और कोरोना वायरस के संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है। आप पश्चिमी परंपराओं को त्याग दें और कोई भी मिले हाथ जोड़कर उसको नमस्ते करें, नमस्ते भारत कहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस को लेकर भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। बताया ये जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पूरी तरह से जांच भी की जा रही है। जी हाँ, और ये केवल एक दो एयरपोर्ट्स की बात नहीं है, तमाम एयरपोर्ट्स देश के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हों, घरेलू एयरपोर्ट्स हों, यहाँ इस तरह की एहतियात बरती जा रही है। लेकिन क्या ये बात सही है कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच सही तरीके से हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात की पड़ताल करने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन वहां तो माजरा कुछ और ही नजर आ रहा था। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां विदेश से आने वाले लोगों से बात की हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। यहां उतरने के बाद स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फॉर्म नहीं भरा गया? कुछ नहीं। आप अंदर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे को तो डर लगता है ना। लेकिन होना चाहिए। कुछ नहीं अंदर? क्या काउंटर वगैरह लगा हुआ है कोरोना को लेकर? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैंने नहीं देखा। अंदर एयरपोर्ट पर क्या कोरोना से रिलेटेड संबंधित आपकी कोई जांच हुई, कोई स्क्रीनिंग हुई? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं कोई कोरोना से बीमारी नहीं देखेंगा। अभी अंदर में बहुत अच्छा है, बहुत सबको अच्छा काम करे। कोई फैसिलिटी नहीं है अंदर कि तुम्हें वहाँ पे ले जाएगा। एक आदमी अभी अंदर उल्टी कर रहा था, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो हम वही बात कर रहे थे कि क्या हालत है कि जो आदमी वहाँ पे इतनी देर में यूएस में तो उसको हॉस्पिटल ले जाते, पर वो आदमी 10 मिनट तक वहीं पे इमिग्रेशन ऑफिस के सामने उल्टी कर रहा है, पर कोई उसको हेल्प के नहीं है। तो ये हाल दिल्ली एयरपोर्ट का है। यहाँ विदेश से आने वालों का कहना है कि सिर्फ उन देशों से आए लोगों की जांच हो रही है जहाँ कोरोना का संक्रमण है। ऐसे हालात मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर भी है। मैं दुबई से जांच का कोई ये नहीं है, तो दुबई वालों के लिए कोई जांच नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ से जैसे कि ज़्यादा इन्फेक्टेड जो कंट्रीज़ है उनके लिए जांच है, वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और स्टाफ सबको अवेयर कर रहा है कि भाई जिसको जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई कंट्री से आए हुए, अलग अलग कंट्री से जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना पहुंचा संक्रमित यात्री दुबई से आया था, इसलिए एयरपोर्ट पर आने वाले सभी विदेशियों की जांच जरूरी हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बावजूद इसके ऐसे हालातों में भी एयरपोर्ट पर जांच को लेकर लापरवाही जैसे हालात क्यों हैं? आपको बता दें कि सिविल एविएशन के एडवाइजरी के मुताबिक 21 एयरपोर्ट और 12 बंदरगाहों पर जांच हो रही है। करीब 5,57,000 यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो चुकी है। बंदरगाहों पर 12,431 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। हालांकि सरकार ने 5 देशों की यात्रा नहीं करने को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चीन, ईरान, कोरिया, सिंगापुर और इटली नहीं जाने को कहा है। साथ ही चीन और ईरान के लिए जारी मौजूदा वीजा और ई वीजा को भी रद्द कर दिया है। कोरोना की वजह से देश के लोगों में बड़ा खौफ है। देखिए, इसी बीच आपको भी हम बता देते हैं कि हम भी सावधानी बरत रहे हैं। ये हमारा सैनिटाइजर है, हम तीनों बीच बीच में अपने हाथ इसका इस्तेमाल करते हुए साफ कर रहे हैं। ये अपने पास जरूर रखिए। देखिए, डर की वजह से लोग भारी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। नोएडा में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ गई है। और ये बिक्री यूं ही नहीं बढ़ी है। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने उन दुकानों पर जाकर वजह पता करने की कोशिश की। इस समय मैं नोएडा के केमिस्ट शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये बताइए कि ये जो मास्क है, इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है और किस तरह का सेल है इसका? सर, अभी सेल तो बहुत ज्यादा है, डिमांड आ रही है। आज जैसे न्यूज में आई है वैसे डिमांड ज्यादा आ गई है इनके, तो अभी हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन आने टाइम में भी देखा जाएगा। कितना मास्क था आपके पास और कितना सेल हो गया? सर, मास्क हमारे पास अभी 20-25 बचे हुए थे, तो सेल हो चुका है, लोग ऑलरेडी डिमांड मांग रहे हैं। ज़रा तो, और कौन सा मास्क मांग रहे हैं लोग और क्या? ये 95 वाली मास्क की ज़्यादा डिमांडे हैं, वैसे नॉर्मल मास्क की भी डिमांडे आ रही है, अभी फिलहाल तो है नहीं, लेकिन आ जाएगी। आपके पास स्टॉक खत्म हो चुका? अभी स्टॉक खत्म हो गया। ये हैंड सैनिटाइजर जो है, इसका भी क्या डिमांड में उछाल है? बहुत ज़्यादा सर, आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, लेकिन अभी हमारे पास तो है, जितने लोग है लोगों को दे रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग डाल रखे हैं,
बाकी दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा मास्क और हैंड सैनिटाइजर सेल हो रहा है। हाँ, बाकी दिन की तुलना में आज के डेट में ज्यादा डिमांड है और बिक भी रहे हैं। मास्क यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और लगातार मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड जो है वो नोएडा में पिछले कुछ घंटों में बढ़ गई है। इनका कहना है कि जो हैंड सैनिटाइजर ये पहले बेचा करते थे उससे कई गुना ज्यादा हैंड सैनिटाइजर लोग खरीद रहे हैं, मास्क के लिए पूछने आ रहे हैं और मास्क अब इनके पास नहीं है। विकास, हमारे समाज में ये एक बड़ी दिक्कत है, जब भी कोई इस तरह की क्राइसिस होती है तो पैनिक ज्यादा होता है, जबकि अवेयरनेस यानी कि जागरूकता होनी चाहिए। जी हाँ, ये इसको कहेंगे कि जागरूकता में भी कुछ ज्यादा ही लोग जागरूक हो गए हैं और बजाय इसके कि किसी चीज का इस्तेमाल करें, बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया है, हैंड सैनिटाइजर की कमी हो गई है बाजार में। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूंगी। हम लोग सुबह ग्रीन रूम में थे तीनों, तो वहां पर जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है हमसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे वो गांव से संबंध रखते हैं और गांव के लोगों को तो यही नहीं पता कि कोरोना क्या है, तो सावधानी कैसे बरतेंगे जब तक इस बारे में कोई जागरूकता नहीं होगी। तो यहां सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। छोटे दुकानों में स्टॉक खत्म हो रहा है, चिंता की बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी स्टॉक कम है। और देखिए, स्टॉक कम हो रहा है तो लोग पैनिक कर रहे हैं। दिल्ली में भी लोग मास्क और सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। जी हाँ, लोग कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ वो अपने लिए खरीद लें बल्कि काफी सामान खरीद कर रख भी लें। एबीपी न्यूज संवाददाता सुधि कांत ने कुछ दवा दुकानदारों से बात की और जाना कि उनके पास किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं। जितनी भी मेडिकल दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, वहां पर हैंड सैनिटाइजर्स की कमी हो रही है। इस वक्त हम एक ऐसी ही केमिस्ट शॉप के बाहर मौजूद हैं, जहां के ओनर से ही हम पूछते हैं कि पूरा ये जो मामला है आखिर क्या है। सर, आप जो हैं, क्या हो रहा है सर? लोग जो हैं ज़्यादा नंबरों में हैंड सैनिटाइजर्स खरीद रहे हैं कि कमी हो रही है, ऐसा ये सच बात है? नहीं, देखिए, लोग थोड़ा सा परेशान तो हैं और कुछ केसेस जो हैं उसकी वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी दवाई की दुकान के जो है मालिक थे। यहाँ पर कई दवाइयों की दुकानें हैं जो सटी हुई हैं एक दूसरे से। यहाँ पर हम एक और जो शख्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ हैंड सैनिटाइजर्स की कमी जो है दिल्ली के मेडिकल शॉप्स में हो रही है, क्या ये सच बात है? बिल्कुल, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास इस टाइम पे आपके हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, चाहे से छोटे हो गए चाहे से बड़े हो गए। 1 लीटर, आधा लीटर, 50 ml, कोई सा भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई खरीदारी में हैंड सैनिटाइजर? ये चीज लगा लीजिए, अगर कल हमारे पास अगर 5 पीस रोज के सेल थी तो आज पर बंदा 10 to 20 pieces मांग रहे हैं, लेकिन अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पर हमने एक और जो दवाई की दुकान के मालिक थे उनसे हमने बात करी। उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो आतंक है कोरोना वायरस के चलते वो बना हुआ है। प्रिकॉशनरी मेजर जिसको कहें कि अपनी तरफ से सावधानी जो है लोग बरत रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये भी है कि अब सरकार को जो है कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे लोगों में जो कोरोना वायरस को लेकर एक आतंक जो है वो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बेकाबू ना हो जाए, लोग जो है उतने ना घबराएं। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने की अभी सख्त से सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ सुरभि का केबीपी न्यूज दिल्ली। कोरोना 70 से ज्यादा देशों में लगातार फैल चुका है, अब भारत भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, इसलिए हम सब अलर्ट पे हैं। देखिए, और एबीपी न्यूज लगातार आपको कर रहा है सावधान, क्योंकि सावधानी ही है बचाव। कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, वैज्ञानिक भी लगातार इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, अदरक वाली चाय का एक फायदा यह है कि इससे खांसी आपकी ठीक हो जाती है, जुकाम में भी राहत मिलती है। बढ़ते आगे, तो बाबा रामदेव भी कुछ नुस्खे बता रहे हैं। बाबा रामदेव कोरोना वायरस से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं, तो आइए खुद जान लेते हैं बाबा रामदेव से ही कि आखिर कैसे आयुर्वेद की ताकत से इस खतरनाक वायरस से खुद को बचाया जा सकता है। दुनिया भर में लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए योग और आयुर्वेद में इलाज का दावा सामने आया है। कोरोना को लेकर बाबा रामदेव का दावा है कि आयुर्वेदिक गिलोय का रोज सेवन करने से इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने संक्रमण को कम करने के लिए भी आयुर्वेद को कारगर बताया है। कोरोना से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर और कोरोना होने के बाद उसको पराजित करने के लिए सबसे अच्छी चीज है गिलोय। गिलोय और इसमें तुलसी के पत्ते डाल लें, इसको छोटा छोटे पीसेज में काट के एक मिक्सी में इसको ग्राइंड करके एक डंडी छोटे बच्चे के लिए, वयस्क के लिए 2 डंडी और पूरे परिवार के लिए ऐसी 4-5 डंडी ले ली तो पूरे परिवार को भी ऐसी पिला सकते हैं। ये गिलोय, इसमें
तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी थोड़ा और डाल लेते हैं तो और इफेक्टिव हो जाती है। तो पूरे परिवार के लिए 1 किलो पानी में डाल के सब काढ़ा बनाया और 1 गिलास बच गया तो छान करके पिला दिया। जो भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं वो इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सर्दी जुकाम बुखार जो इसके सिम्टम्स है वो इससे खत्म हो जाएंगे और रोगी मरने से बच जाएगा। आयुर्वेद के साथ साथ बाबा रामदेव ने कोरोना से बचने के लिए योग को भी अहम बताया है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन भी जरूर करने चाहिए कोरोना के रोगियों को। अगर बाबा रामदेव के ये नुस्खे कामयाब होते हैं तो कोरोना को रोकने के लिए आयुर्वेद विज्ञान बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन अभी तक इन नुस्खों पर रिसर्च की कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए कुमकुम, आप अदरक वाली चाय ले रहे हैं और बाबा रामदेव भी बता रहे हैं कि गिलोय तुलसी के साथ अगर आप अदरक का सेवन करेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। दरअसल मुझे लग रहा है ऐसा कि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। खबर आ रही है पंजाब से, पंजाबी लोक गायक बब्बू मान के शो में हंगामा हो गया है। बेहद मशहूर पंजाबी सिंगर हैं बब्बू मान, बहुत सारे शानदार गाने इन्होंने गाए हैं और इनके शो में हो गया है हंगामा। जालंधर में ये शो हो रहा था जिसमें जबरदस्त हंगामा हुआ है। बब्बू मान एक लोकप्रिय गायक हैं पंजाब के और ये देखिए वहीं की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जहां जालंधर में उनका एक शो था और वहां पर हो गया है जमकर हंगामा। तो बहुत सारे फेमस गाने इन्होंने गाए हैं, चाहे वो मित्रा दी छतरी हो, दिल ता पागल है, बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने इनके गानों को इंजॉय भी किया है। लेकिन खबर ये है कि बब्बू मान का एक शो हो रहा था जालंधर में जहां जमकर हो गया हंगामा। तस्वीर आप ये देखिए, पुलिस किस तरीके से लाठियां भांज रही है यहां लोगों पर, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस किसी भी तरह से इस मॉब को, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जो कि बब्बू मान के शो में हंगामा कर रहे हैं। बब्बू मान एक मशहूर पंजाबी लोक गायक है, इनके गाने सुपरहिट हुए हैं, लोगों के सर चढ़ के इन गानों का, लोक गीतों का जादू बोलता रहा है। लेकिन ये सर चढ़कर जादू बोलना भारी पड़ गया इस शो पर। जालंधर में इस शो में जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को आना पड़ा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लाठियां भाजनी पड़ी। हालांकि मॉब इतना ज्यादा बेकाबू नहीं हुआ है कि लाठियां बहुत ज्यादा भाजनी पड़ी हो, लेकिन शो को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को यहां पहुंचना पड़ा, लाठियां दिखाकर लोगों को कंट्रोल में, काबू में लेना पड़ा। तो लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब के मशहूर सिंगर उनके शो में कैसे हो गया हंगामा। हो जाता है कई बार जब फैंस हो जाते हैं बेकाबू कुछ गानों को सुनकर। हम लगातार आपको कोरोना वायरस से अपडेट कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है, लगातार एबीपी न्यूज आपको बता रहा है। आप किस तरह से छोटी छोटी चीजें करके बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से, कई उपाय हैं इसके, आपके सामने होंगे आगे। देखिए इस बीमारी से बचने के उपाय जानने के लिए हमने डॉक्टर एम वली से बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको वो बातचीत। डॉक्टर एम वली कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या तरीके बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू से बचने के दो बहुत बड़े आसान तरीके हैं। एक तो मैं ये जो कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं नमस्ते। ये क्यों करना है, हमें शेक हैंड नहीं करना है। शेक हैंड करने से क्या होगा, मेरे बैक्टीरिया जिससे मैं शेक हैंड करूंगा उसके हाथ पे चले जाएंगे, तो शेक हैंड नहीं करना है। रिफ्लेक्सली हम शेक हैंड कर जाते हैं फिर बाद में ख्याल आता है। दूसरा, हगिंग नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को हम मिलते हैं बहुत दिन बाद तो हग करते हैं, वो हगिंग अवॉइड करना है। करीब जाना है नहीं बिल्कुल, तो करीब नहीं जाएं, हगिंग ना करें, शेक हैंड ना करें। और अगर किसी को खांसी आ रही हो तो इसको हम कॉफ एटिकेट्स कहते हैं कि अपने साइड में मुंह करें, इस तरह से मैंने मुंह मोड़ा है, कैमरे से दूर हो गया, और इधर को खांसे न के आपके सामने खांसे। और दूसरा, कपड़ा लगा के खांसे। चौथा, टिश्यू पेपर लगा के खांसे। पांचवा जो है, अपने हाथ को अगर उसमें जरा सा भी सॉइल हो जाए आपके बलगम से या थूक से तो फौरन जाके पहले हाथ धोएं, बाद में अपना काम शुरू करें। हैंड हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अस्पताल में जाएं तो अस्पताल की रेलिंग को न छुएं, उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। केमिस्ट की शॉप पे जाएं तो उसके काउंटर पे हाथ ना रखें, वहां बहुत से पेशेंट आते हैं, दवाई लेते हैं, हाथ रखते हैं, उनके बैक्टीरिया हैं। इसी तरह से किसी भी जगह हॉस्पिटल में जाएं तो दरवाजों को कम से कम छुएं, नॉब्स पे, लैचेस पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वायरस जो है 100 दिन तक जिंदा रहता है। मध्य प्रदेश और में कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधायकों की खींचतान का मिडनाइट शो गुरुग्राम के मानसर के ITC रिजॉर्ट में देखने को मिला। और कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार गिराने को लेकर बीजेपी ने उनके और उनके सहयोगियों के 10 विधायकों को जबरन मानेसर ले जाकर कब्जे में ले लिया है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि वो 10 में से
छह विधायकों को वापस ले आइए। 10 विधायक जो आए थे उसमें दिल्ली में 2 बीएसपी के, 1 समाजवादी पार्टी का, 3 निर्दलीय और 4 कांग्रेस के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो ये जो 4 कांग्रेस के सदस्य बताए जा रहे हैं जो लौटे हैं, इनमें बीएसपी के 2 हैं, सपा के 1 है, निर्दलीय 3 है। ये देखिए आपकी तस्वीर आ गई हमारे सामने, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सामान ले जाते विधायक। इसके अलावा 2 खास तौर पर मंत्री मध्य प्रदेश से रातों रात यहाँ आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम में तो प्रशासन पुलिस सब बीजेपी सरकार की है, हरियाणा सरकार की, इसलिए हमें बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हमने ऑपरेशन कमल की हवा निकाल ली है। दिग्विजय सिंह इससे पहले कहते हुए दिखाई दिए कि भाई मुझे तो भनक 2 दिन पहले ही लग गई थी, मैं तो अलर्ट पर आ गया था। अब केवल उनके पास यानी कि बीजेपी के पास 4 लोग हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन संख्या 4 से ज्यादा बताई जा रही है। एमपी कमलनाथ सरकार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। तो इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था, विधायकों और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस भी हो रही थी। इस खबर पर हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त और हम ब्रजेश राजपूत से बात कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या स्थिति है अभी, क्या ये जो बगावत है कांग्रेस के भीतर की, ये कांग्रेस का सियासी संकट बढ़ाएगी या जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है दिग्विजय सिंह ने, वो अब परवान चढ़ पाएगी? विकास, इस पूरे मामले को देखें तो ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह फिर एक बार कमलनाथ सरकार के संकट मोचक साबित हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने इस जो सब कुछ पकड़ा था पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में, उसकी हवा निकाली। उसके बाद फिर उन्होंने अपने दोनों खास लोग, उनके बेटे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी को भेज के जिस होटल में सारे लोग रुके हुए थे, 10 लोग, उसमें से 6 लोगों को वहां से हटाया। और हालांकि ये बात एकदम सही है कि 10 लोगों को वहां इकट्ठा किया था, जिसमें से सपा, बसपा, निर्दलीय और कुछ कांग्रेस के विधायक भी थे, मगर अभी ब्रजेश आपकी आवाज कट गई है, कोशिश हम करेंगे कि आपकी आवाज आए। और इसके साथ साथ हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि इस समय जो समीकरण है क्या है, और ये तस्वीरें आपको कल रात की देखनी चाहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बीएसपी के विधायक रामबाई हैं जिनको ले जाकर जयवर्धन और जीतू पटवारी वापस निकल रहे हैं आईटीसी मानेसर के होटल आईटीसी से। और जयवर्धन सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जीतू पटवारी इंदौर से विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं। तो झड़प भी होती हुई दिख रही है साफ तौर पर विकास, ये कैमरा पर जो मतलब ये जो तस्वीरें हमारे सामने ये देख रहे हैं हम, किस तरीके से कैमरा पर ही खुलेआम झड़प वड़प चल रही है। बिल्कुल, उसकी वजह है क्योंकि ये होटल मानेसर में है और वहां पर बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था और लोकल पुलिस वहां पर तैनात है। जैसा कि दिग्विजय सिंह ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पुलिस उनको अंदर भीतर नहीं जाने दे रही थी, उनके मंत्रियों को अंदर नहीं जाने दे रही थी, लेकिन किसी तरह बातचीत हुई और उसके बाद रामबाई से संपर्क हुआ। रामबाई ने खुद अंदर बुलाया इन मंत्रियों को, जयवर्धन को और जीतू पटवारी को, और उसके बाद वे रामबाई को लेकर बाहर निकल सके। तो ये बीएसपी के विधायक हैं रामबाई, बीएसपी के 2 विधायक हैं मध्य प्रदेश से जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। मामला कहीं निपटता हुआ अभी आपको दिख रहा है जिस तरीके के हालात हैं, हम लोग अपडेट्स तो ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये अभी शांत होगा ये या फिर हीट और देखने को मिलेगी? ये देखिए, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये हीट अभी शांत नहीं होगी, क्योंकि ये अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की। सिंधिया खेमा जो है उसके विधायक हैं सभी के सभी, जो 10 से 11 MLA हैं वो सिंधिया खेमे के हैं, और आप खबरों में देख रहे होंगे लगातार कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी सरकार पर ही, कमलनाथ सरकार पर हमलावर हैं। और सिंधिया की नाराजगी का ही नतीजा है कि उनके खेमे के MLA वो अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुके हैं लगातार। विसाहूलाल सिंह हैं, कमलेश जाटव है और एदल सिंह कंसाना है, ये 4-5 MLA जो है वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और सरकार को गिराने की जो मुहिम शुरू हुई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें इन्हीं विधायकों का साथ मिला था बीजेपी। ये तो दिक्कत है ना, कांग्रेस के अंदर इतनी खेमेबाजी है, सिंधिया खेमा अलग, दिग्विजय खेमा अलग, कमलनाथ खेमा अलग, जो
जाहिर तौर पर विपक्ष और या फिर विरोधी उसका फायदा उठाएंगे, इसलिए लगातार हमने नाम भी देखिए आज इस कवरेज का यही दिया है, ऑपरेशन लोटस। अब ये सफल होगा नहीं होगा का कुछ कह नहीं सकते। अगर आप टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाते हैं, शौकीन है इसके, तो ये खबर तो आपके लिए भाई बहुत जरूरी है देखना। बिल्कुल सही कह रही है आप, क्योंकि जहां पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने की खबर चल रही है, तो वहीं सोशल मीडिया के प्रति दीवानगी उसके मौत का कारण बन गई। और देखिए टिकटॉक पर वीडियो बनाने के चक्कर ने एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिजली के खंभे से लटकते जिस युवक के शव को उतारा जा रहा है, उसका नाम विकास है। विकास के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, बड़ा भाई जेल में बंद है। विकास अपनी माँ का अब अकेला सहारा था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। विकास आर्मी में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके टिकटॉक पर वीडियो बनाने की सनक ने उसकी जान ले ली। हरियाणा के पानीपत में विकास अपने दोस्तों के साथ बिजली के खंभे पर चढ़कर टिकटॉक वीडियो बना रहा था, तभी हाई वोल्टेज तार के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इंटरनेट पर मौजूद टिकटॉक डेथ ट्रैकर नामक वेबसाइट के अनुसार दुनिया में अब तक टिकटॉक की वजह से 41 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ भारत में ही अब तक 35 मौतें हुई हैं। पानीपत में पिछले 2 साल में 5 लोगों ने जान गंवाई है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप में से एक है टिकटॉक। दुनिया में कुल 50 करोड़ टिकटॉक यूजर्स हैं। पुलिस का कहना है कि युवक शराब के नशे में वीडियो बनाने के लिए खंभे पर चढ़ा था। जो पता करने से पता चला कि इस लड़के ने नशा शराब करके दारू के खंभे पर सेल्फी या टिकटॉक बनाने के लिए चढ़ा था, जो मैंने वहाँ रेलवे के अधिकारी को बुला करके बिजली का ब्लॉक व ट्रेनों का ब्लॉक लेकर के इस आदमी को नीचे उतरवाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने महिलाओं के लिए एक पहल की शुरुआत की है। देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहल बहुत जरूरी थी। पंजाब सरकार की इस पहल में महिलाएं हैं, पंजाब रोडवेज की बस है और महिलाओं के लिए कुछ रियायतें हैं। क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है और इसी के लिए हमारी कोशिश होती है कि हर दिन हम आपके लिए कुछ ऐसी खबर लाएं जो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाए सुबह सुबह। ऐसे में पंजाब सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकार की योजना से कैसे कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है इसकी, है क्या ये खबर, देखिए। पंजाब की सरकारी बसों में महिलाओं के बस का किराया आधा हो जाएगा। सरकार ने इस योजना का ऐलान कर दिया है। जल्द ही इस योजना को लागू करने की तारीख का भी ऐलान होगा। We have tried to make it easier for the ladies and 50% of bus fares will be, they will get free. सरकार के इस फैसले को पंजाब की महिलाएं कैसे देखती हैं, बता रही हैं अमृतसर की महिलाएं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल लेडीज के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, हाफ होएगा रेंट तो अच्छा बेटर है उनके लिए, जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए जाना आना थोड़ा इजी रहेगा। अभी दिल्ली में महिलाओं के लिए सिटी बस सेवा मुफ्त है, हालांकि पंजाब एक बड़ा राज्य है जहां महिलाओं की आबादी करीब 1,31,00,000 है। ऐसे सरकार पर 2,48,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यूपी के अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अपराधियों के बारे में समाज की सोच को बदल सकती हैं। देखिए ये तो कोशिश होती है हमारी कि सुबह सुबह आपके भीतर आशा भरने वाली, ऊर्जा भरने वाली खबरें हम दिखाएं। अयोध्या की ये खबर क्या है, अपराधियों के बारे में समाज की सोच बदलने और साथ साथ अपराध को कैसे कम किया जाए, इसके लिए अयोध्या पुलिस का एक कदम है ये। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था बहुत ही दिलचस्प खबर है, तो इस खबर को देखिए। अयोध्या पुलिस ने ऐसा क्या किया है जिससे एक नए समाज का निर्माण हो सकता है, वो जानने के लिए रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अयोध्या में पुलिस की पहल पर श्रम विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का मकसद अपराध कम करना और समाज में एक बड़ा बदलाव लाना है। आप सोच रहे होंगे कि रोजगार मेले से अपराध कैसे कम होगा, वो जानने के लिए ये सुनिए। जो प्रतिबंधित अवैध मदिरा निष्कर्षण व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, उनको समाज की मुख्यधारा में ले आने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज का रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इस पहल से समाज कैसे बदलेगा उसके बारे में खुद अयोध्या के एक बड़े पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से शराब या अन्य कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो इनको इन कार्यों से दूर करने के लिए हम लोग ये एक मुहिम चलाए ताकि ये गलत कार्यों से निकल करके अपने जीवन में एक नए मुकाम और एक अच्छे अपने देश के विकास में योगदान कर सकें। इस रोजगार मेले में सुरक्षा, बीमा और मार्केटिंग क्षेत्र की कुल 8 कंपनियां शामिल हुई। करीब 500 युवक युवतियों ने इस मेले में हिस्सा लिया।
24 दिसंबर को हिंसा के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले और फायरिंग करने वाले शाहरुख पठान को दिल्ली पुलिस की 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए, कई दिनों से फरार था, दिल्ली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और हरियाणा के भी कई इलाकों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी। ये दिल्ली पुलिस के हत्थे आने से पहले ये पंजाब से होता हुआ यूपी के शामली में जाकर छिप गया था। गिरफ्तारी होने के बाद शाहरुख को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। 24 फरवरी को शाहरुख दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानता हुआ दिखाई दिया था। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई थी। पुलिस का यह आरोप है कि हिंसा के दौरान शाहरुख ने खुलेआम 3 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग के बाद से ही शाहरुख फरार था। 24 तारीख को से वो गायब था। इसके अगले दिन यानी 25 तारीख को शाहरुख के घर वाले भी फरार हो गए, लेकिन अब शाहरुख पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जाफराबाद इलाके में फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया था शाहरुख 24 तारीख को। तो ये देखिए, तस्वीरों में आपको वही शाहरुख दिखाई दे रहा है जो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है गोलियां चलाते हुए, और दूसरी तस्वीर वो जब उसे पुलिस रिमांड में भेजा गया तो मुंह ढका हुआ है इसी शाहरुख का। 3 मार्च को आखिरकार पकड़ा गया शाहरुख। और अब आपको 24 फरवरी को दिल्ली की हिंसा के दौरान उस पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया से मिलवाते हैं जिन्होंने शाहरुख का दिलेरी से सामना किया था। सोचिए, सामने कोई पिस्तौल लेके खड़ा हो लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल हाथ में लाठी लेकर उस पिस्तौल ताने शाहरुख से कह रहा है, संयम बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए। शाहरुख पठान ने हिंसा के दौरान कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी, लेकिन दीपक दहिया पीछे नहीं हटे। और वही तस्वीरें सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हिंसा के बीच समाज के असली नायक दीपक दहिया से बात की एबीपी न्यूज की संवाददाता अभिषेक रावत। दीपक, आपने जो है 23 तारीख को मौजपुर चौक पर तैनात रहते हुए काफी हिम्मत का काम दिखाया था, कुछ याद है आपने उस दिन क्या कैसे सीक्वेंस बना था और आपने किस तरीके से उसके सामना किया था? जी सर, हम रोड की दूसरी साइड मॉब को कंट्रोल कर रहे थे, अचानक से पथराव होने लगे थे सर, उनको कंट्रोल करते करते गोली की आवाज़ आई और मैं दूसरी साइड रोड पे गया तो ये लड़का भागा हुआ आ रहा था और हाथ में पिस्टल थी सर, फायरिंग कर रहा था। और फिर मेरे दिमाग में यही आया कि अगर जैसे ये फायरिंग करते हुए आ रहा है किसी को गोली लग ना जाए, कि एक्सपायर ना हो जाए कोई आदमी, कैजुअल्टी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे रोकने के लिए उसका दिमाग अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उसको डंडा दिखाया और उसको बोला कि गोली ना चलाएं, किसी को लग सकती है, मर सकता है कोई। और फिर वो मेरी तरफ खींचा आ गया सर और उसने मेरे पिस्तौल दिखाई और बोला भी कि मैं गोली मार दूंगा, पीछे हो जाएं। थोड़ा सा उसने धक्का भी दिया और फिर एक फायर करके सर वापस अपनी जहां से वो आया था उन्हीं में मिल गया जाके सर। और जब आप उसका सामना कर देते तो आपके मन में कोई डर या कोई भय? नहीं, डर तो नहीं था सर, लेकिन मन में यही था कि किसी को ज़्यादा चोट ना लगे, कोई एक्सपायर ना हो जाए सर, दिमाग में सबसे पहले यही था कि इसको यहीं रोकना है, भीड़ के बीच में घुसने नहीं देना है। और अगर आप सपोज करें आपको उसको गिरफ्तार करने का मौका मिलता तो, और अगर आपसे उसकी बात होती तो क्या मैसेज आप उसको देते? मैसेज यही देता सर कि उसने बहुत ही गलत किया, वो अच्छी जॉब कर सकता था, अच्छी कामयाबी हासिल कर सकता था, पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर उसने बहुत ही गलत किया है, मैं उसे यही मैसेज देता। और देखिए, ये साहस का वो चेहरा है, शौर्य का वो चेहरा है जिसने वाकई में, हो सकता है कि शाहरुख उस वक्त ऐसी फायरिंग करता कि कुछ लोगों को गोलियां लगती और उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इसके साहस ने शाहरुख को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई है और इस हिंसा का दूसरा चेहरा है पार्षद ताहिर हुसैन। पार्षद ताहिर हुसैन अब तक फरार है। ताहिर हुसैन पर आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ताहिर हुसैन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दो तरह की बातें सामने आई हैं। मंगलवार शाम को दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी एके सिंगला ने कहा कि ताहिर हुसैन को 24-25 फरवरी की रात को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन मंगलवार रात तक दिल्ली पुलिस ने अपने ही बयान से किनारा कर लिया और कहा कि ताहिर हुसैन का रेस्क्यू तो हुआ ही नहीं था। दिल्ली पुलिस ने बाद में साफ किया कि मीडिया के एक तबके ने खबर चलाई कि ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू किया, जबकि सच ये है कि 24-25 फरवरी की रात तो ताहिर अपने घर में ही था। 26 फरवरी को आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा का शव मिला और तब से ताहिर फरार है। ताहिर हुसैन जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आया, अपनी सफाइयां दी और उसके बाद उससे गायब है।
दिल्ली हिंसा के दो चेहरों से हमने आपको मिलवाया, दूसरा चेहरा ताहिर हुसैन टीवी स्क्रीन्स पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसका कोई सुराग नहीं लग पाया है और लगातार इसको लेकर यूपी में दिल्ली में छापेमारी हो रही है। बीच में तो खबर यह भी आई कि दिल्ली में ही हो सकता है, कल ही हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए तो उन्होंने कहा था दिल्ली में ही छुपा हो सकता था। यह बिल्कुल, और ओम प्रकाश ने यह भी बताया था कि पुलिस को शक है कि वो जामिया इलाके में छिपा हो सकता है, तो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि दिल्ली में अगर छिपा हुआ है तो दिल्ली पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है, ये एक बड़ा सवाल है कुमकुम। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण चेहरा है, आप देखिए ताहिर हुसैन जो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले रेस्क्यू किया गया, फिर दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि रेस्क्यू हुआ उनका उनके घर से, फिर दिल्ली पुलिस ने अपने बयान से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमने तो मीडिया से खबर उठाई, मीडिया में खबर चली, हमने कोई रेस्क्यू नहीं किया ताहिर हुसैन का, वो तो खुद ही गायब है। लेकिन इन सब के बीच जो केंद्र में आ गई वो आम आदमी पार्टी आ गई, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया पार्टी से, लेकिन बड़ा सवाल तो दिल्ली पुलिस के सामने ये है कि अगर वाकई ताहिर हुसैन गिरफ्तारी उनकी महत्वपूर्ण है और अंकित शर्मा की हत्या में उनका हाथ हो सकता है तो अब तक वो गायब है कहां? यही बड़ा सवाल जो है हम भी लगातार उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि यहां पर खामी किसकी ओर से हुई है। बिहार के गया में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल की खबर, देखिए नफरत का माहौल हर ओर देखने को मिल रहा है और इस बीच प्रेरणा देती है कहानी खासतौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ मुस्लिम मजार की देखभाल हिंदू करते हैं। देखिए यही सांप्रदायिक सौहार्द जो है भारत के सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करता है। मंदिर में पूजा के बाद मजार पर जलाते हैं दीप। हम लोग यहाँ भी पूजा करते हैं, वहां भी पूजा करते हैं, वहां से यहाँ हम लोग काम नहीं पूजा काम नहीं मानते हैं। ये शख्स गया के कुंदई गांव के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह है। दिनेश हजरत अनवर शाह के मजार की देखभाल करते हैं, सुबह शाम मजार की सफाई करते हैं। सफाई हम लोग भी करते हैं, वो लोग भी आता है तो वो लोग भी करता है, वो लोग भी चलाता है, कभी कभी दो लोग भी साफ सफाई करता है, हम भी करते हैं, हम लोग यहाँ पूजा करते हैं डेली नेक्स्ट दिन, और मंदिर में आकर के यहाँ दिया जलाते हैं बाबा, तो मंदिर में जो पूजा करते हैं तो यहाँ आके दिया जलाते हैं, उपला गेट भर लगा सब दिन। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, बावजूद इसके दिनेश रोजाना मजार की सफाई करते हैं। गांव के पुजारी रोजाना सूर्य मंदिर में दिया जलाने के बाद मजार पर दिया भी जलाते हैं, हर शुक्रवार यानी जुम्मे को चादर भी चढ़ाते हैं। अभी जो माहौल है ना उससे ये दाता अनवर साहब बिल्कुल फकीर है, हम लोग के बीच में हम लोग को बहुत भलाई किए थे, इसलिए यहाँ पर कोई संप्रदाय वाली वैसा कोई बात नहीं। अब वो मुस्लिम थे, मुस्लिम भाई आते हैं यहाँ भाईचारे के माहौल में पूजा करके चले जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा के बीच बिहार के गांव की ये तस्वीर सुकून भी देती है और हिंसा करने वालों को सबक भी। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।